यादगार मैंने आज तक नहीं देखी यार, नहीं यादगार ये क्या यादगार जाओ ना यार, ये मैंने आज तक नहीं देखी, मैं गया बहुत हूँ यादगार यार, लॉर्ड हाँ लॉर्ड में यादगार जाओ ना यार। वैसे लॉर्ड का क्या मसला है, बोल रही है बोलने में कोई मसला होता है? वो एक खास डायलेक्ट है उनका, जिस तरह तेरी तेरी बैठी थी तेरी, मैं उन्होंने वड्डा मारिया तेरी उड़ गई, चिड़ी चिड़ी को कहें तेरी उड़ गई, नैरो नैर नहीं यार नैरो नैर, एक वो भी है, एक वो भी है, आप होते गए होते बुए थे जंदरा बज्जा सी। लेकिन ये है वो का सीन जो तुम मुझे बताया ना कि आज वो कहते बस जी आ गया जी, वो कह गाड़ी में जा रहे हो कितनी देर में एयरपोर्ट आएगा, ओ बस जी नैरो नैर आया ही नहीं, एक घंटा हो गया एयरपोर्ट नहीं आ रहा वो। अच्छा पूरा बता रहे हैं गोल चक्कर, गोल चक्कर काटेंगे ना, गोल चक्कर काटेंगे, चक्कर मतलब सीधा स्कूल से लेफ्ट ले लें, गोल चक्कर से स्कूल से लेफ्ट लें और आ जाता है। लेकिन अच्छे लोग हैं लाहौर के, लेकिन कोई शक नहीं लाहौर की गलियां में बहुत। म्यूजिक की बात हो रही थी, जगह बड़ी प्यारी है, देखा वो आप नजम शिराज का एक इंटरव्यू भी कर चुके हैं अपने शो के लिए। बिल्कुल नजम शिराज भाई एक खतरनाक बेहतरीन वोकलिस्ट, ओहो बड़े मैंने लाइव सुना है यार, कमाल आदमी कमाल म्यूजिशियन। उनका गाना भी मियां सली की हवेली पे बहुत चलता है, वो एक गाना उनका रख एस रख आस जी जी सॉरी बर्गर आस, आप इंग्लिश में आप बर्गर हो ना यार, आपका ये भी तो मतलब भाई भी आप देख रहे हो रोमन में एक लीडर के फॉलोअर हैं और वो उधर हवेली में भी इन्फ्लुएंस था उस लीडर का बहुत, बल्कि हवेली के अंदर सारों की तस्वीरें लगी वो बीगे होंठ तेरे उन्होंने उधर ही लिखा है। नहीं वो कह रहे हैं कि उसके जो लिरिक्स थे वो बहुत बुरे थे इसलिए मैंने पूछा था। अताउल्लाह भी आए उस हवेली में, अताउल्लाह भी खान साहब के बहुत बड़े सपोर्टर फैन, वो अच्छे म्यूजिशियन। अभी शुरू उनका कोई चल रहा था बयान के मैं माफी मांगता हूँ मैंने इसके लिए तराने बनाए, पता नहीं उन्होंने दिया है ये किया था ना आखिरी गाना पाकिस्तान बड़ा मशहूर गाना अच्छे है दिन आएंगे भी तो ये अच्छे म्यूजिशियन जैसे इब्रार भी नहीं वैसे यार मुझे बड़ा पसंद है। जब गाना गाया तो हमें समझ जाना चाहिए था कि फिर पीटीआई की मैयत ही उठेगी, क्योंकि अताउल्लाह साहब के गाने मैयत कभी खुशी पे तो उनका गाना चला नहीं ऐसा नहीं, बाय द वे रिश्तेदार भी खान साहब और शादी पे तो कभी अताउल्लाह नहीं चलाया ना, ठीक है लेकिन उसमें एक फर्क है। देखें अताउल्लाह या इब्रार का नाम ले रहे हैं या नजम शिराज, ये तो अब उधर वारिस बेग आ रहा है, खैर है अगर वो नून लीग में है तो वारिस बेग मतलब क्या मैक्सिमम क्या कर लो वारिस बेग मतलब क्या, नवाज शरीफ सिर्फ कुलचे खाता हुआ एक आदमी याद आया ज़हन में, वारिस क्यों नहीं कर रहा, वारिस बेग ने नवाज शरीफ के लिए गाया था कल जब देखा चांद धरोके में, शरीफ साहब के लिए था नहीं उसने अपना लिखा था। अच्छा कौन सा उनका गाना, कौन सा किया सलाम किसको किया उसको, अच्छा ओए मैंने कहा डायरेक्ट ही आ गया पीएमएलएन के लिए, तो वारिस हो गया एक दो और हो गए पीएमएलएन ने उससे, हम लोग को जानते हैं पीएमएलएन ने उसके उससे गाना गवाया था वो जो है 1 pound फिश कम ऑन लेडीज, अब सोचें बताओ यार वो असल में मियां साहब के आइडियल है ना, वो डाइट करके ऐसे हो जाएंगे इससे पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये था ना कि यार जो भी कोई अच्छा सिंगर होगा वारिस बेग भी अच्छा आदमी है, बिल्कुल बोल रहा बट वो ठीक है चला गया उससे फर्क, बहुत कम लोगों को पता है कितनी दफा उसने वकारी मिस की जगह मैच खेला हुआ हाँ मैच खेला है, वो इंजर्ड थे ना कमर का मसला था तो वो ठीक है आधा आधा भी कर लेते हैं फील्डिंग तो वारिस करेगा, लेकिन अब ये कवाच उसको कहा था कि फील्डिंग करते हुए ना हाथ नजर नहीं आना चाहिए, मतलब उंगली वाला सीन था ना, ये वैसे फनकारों को मेरे ख्याल में इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए सियासी, वो ना क्यों नहीं करनी चाहिए, उनकी फॉलोइंग हर जगह होती है ना, उनको नुकसान होता है वैसे, नहीं ऐसी क्या बात है वोट तो देते ही ना बंदा कबाचे और ये सब, वोट देना एक अलग बात है ना, जब आप एक फनकार होते हैं तो आप फिर सबके होते हैं सबके लिए वो एक बराबर होता है, आप ये नहीं कह सकते ना, फिर उनके अंदर फनकार वाला स्विच होता है जिसमें सारी चीजें नहीं लग जाती। अब आपको नहीं लगता इब्रार को नुकसान हुआ है फायदा, मुझे बताएं खुद बताएं आप, अब तो इब्रार को बहुत फायदा हुआ है, फायदा हुआ है जब से कालों का सीन हुआ है, कब्ज खत्म हो गई है हाँ, जैसे ये देखे ना अभी ख्वाजा आसिफ ने वो बयान दिया है ओवरसीज वाला, बड़े अच्छे सिंगर आज उसको वो फिर वो उसकी वो भी पेश कर रहे थे, बात ये कि आप ओवरसीज की जब बात कर रहे हैं ना, यूके में ओवरसीज पाकिस्तानी कितने होंगे आपके ख्याल में, पाकिस्तानी का मैं ज्यादातर जाहिल है उधर, नहीं नहीं अच्छा। मतलब एक 10 lakh का फिगर है कोई मोर लेस, तो 0.4 वो जो खड़े होके आ जाते हैं जो एंटी फ्लाइंग किक मार रही थी वो जो यूके के अंदर नवाज शरीफ के घर के सामने खड़े हो, उनके उनके ऊपर जिन आता है अशरफ ताई के नाम, 2000 लोग यूके में, अगर कोई नॉर्मल पाकिस्तानी है तो हमसे रुजू करे, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला जो ना असल हमारे जो ओवरसीज है ना वो ये जो बेचारे दुबई या यूएई में नौकरी करते हैं, यहाँ के हमें रेमिटेंस भेजते हैं, अपने माँ बाप के लिए पैसे भेजते हैं या जमीने, और ये जो अमेरिकन है उन्होंने ये कहा या बाहर के लोग, ये वो हैं जो
जमीन बेचने पाकिस्तान आते हैं काफ, एक्चुअली मुझे लगता है काफी, नहीं सऊदी वाले नेशनलिटी नहीं देते ना तो आना पड़ता है ना, ये बात इन्होंने मेरी ही पॉडकास्ट से सुन के कही है, हमने भी ये बातें की है ना याद है, तो वो बात ये कि हमने की है ना, वो तो अब वो ये कि 10 लाख अगर पाकिस्तानी यूके में फैक्चुअली 10 लाख पाकिस्तानी है तो उसमें से इमरान खान के वो जुलूस सबसे बड़ा हुआ है, कम बता रहे हैं आप, नहीं 10 लाख है भाई, 14 मिलियन आई थिंक 10 लाख है मेरे ख्याल में, 14 लाख 14 लाख चार लाख इलीगल गए हैं तो 10 लाख ऑफिशियल हो गए, चार ऑफिशियल ये बात भी फर्क है, हाँ ये रहे रहे मैंने 10 लाख 1.4 मिलियन 16 लाख सॉरी 16 लाख बढ़ गए जा रहे, उन्होंने बच्चे भी तो दिए, 6 लाख अमेरिका में 14 लाख थे वो अल्ताफ भाई को नहीं गिन रहे थे तो 16 हो गए, चलो 16 लाख की बात, 16 लाख में जो एजवेयर रोड या उधर खड़े होते हैं जहाँ भी वो क्या जगह है, एजवेयर रोड तो अल्ताफ भाई है, नहीं नॉट लाइक दूसरा उधर तो छापा पड़ा बंद हो गया वो एवनफील्ड के बाहर, वो यार क्या होगा मतलब उस हजार बंदा होगा, हजार बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 20 लोग होते हैं सिर्फ 25, तो इस तरह नहीं बोलना चाहिए, हजार बंदा जो आपने बोला ना, क्योंकि वो डॉक्टर की एसोसिएशन है जो उन्होंने फिर ट्वीट भी किया कि यार आप मुझे ये बताएं ये जो पीटीआई के सपोर्टर्स थ्रेटन करते हैं कि अब हम रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे इस गवर्नमेंट को गिराने, ये भी कर भेजो, नहीं तू अपने मरे हुए बाप मरते हुए बाप को रेमिटेंस भेज रहे नहीं तू किसको रेमिटेंस भेज रहे यार, माँ गाँव में रोटी बना रही है तेरे बाप को फालेज है तू बोल रहे मैं रेमिटेंस नहीं भेजूंगा शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, अभी तू अपने घर वालों को पैसे भेज रहे हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करें, वो एक बात आपकी ठीक है, सारे वही है क्या आइडेंटिफाई सब वही है, नहीं नहीं आइडेंटिफाई से मुराद की देखें 16 लाख थोड़ी ये नहीं कर रहे हैं, हमने एक इल्यूजन दे दिया है कि रेमिटेंस जो है आप पाकिस्तान को खैरात में देते हो, नहीं आप अपनी फैमिली को दे रहे हो, यस फॉरेक्स हमारा बढ़ जाता है बट यू आर नॉट गिविंग मनी टू पाकिस्तानीज, आई थिंक खान साहब ने बहुत ज्यादा वो किया कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान चला, ये भी फ्लिप किया इसने, और फिर उनका एक इकोनॉमिक प्लान भी ये था, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हर ओवरसी पाकिस्तानी $1,000 दे दो पाकिस्तान का कर, अबे क्यों देगा वो $1,000, और भाई मुझे इतनी मुश्किल से बेचारा कमाता है यार, कि कितने लोग हैं टोटल दुनिया में, फिर 16 लाख अगर इतनी बड़ी आबादी यूके में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है, मतलब फैक्चुअली अगर आप देखें ऑन पेपर और सारे मुल्कों के बकौल, सऊदी में भी इतना नहीं है शायद, तो वो सऊदी में भी बहुत है भाई, नहीं 16 लाख नहीं होगा ना भाई, ज्यादा है नहीं होगा 16 लाख आप चेक करें, ज्यादा है ज्यादा है ज़्यादा है भाई, मिडिल ईस्ट में ला के नॉट लाइक सिर्फ सऊदी और मिडिल ईस्ट में, तो भाई बात ये है कि अब वो उससे कितनी रेमिटेंस आ जाएगी, वैसे ऐसे आ रहा हूँ आप जो बात कर, सिर्फ उस पर तो नहीं चल सकता ना मुल्क, नहीं कि आप सिर्फ उसी रेमिटेंस एक डॉलर भेजेंगे तो इट्स जस्ट दैट के हमारे पास डॉलर्स कम होते हैं तो वो डॉलर्स भेजते हैं, हमें वो चेंज करके यहाँ पीकेआर में देना होता है उनकी फैमिलीज को, तो वो डॉलर्स बढ़ जाते हैं बट वो पाकिस्तान के कोई वो किटी में खर्च पैसे नहीं जा रहे, यू राइट हाँ, लेकिन फिर भी ख्वाजा आसिफ साहब को कम से कम ये उनको तो 22 लाख है